राजस्थान हाईकोर्ट में आज के दिन एक और अध्याय जुड़ गया। हाईकोर्ट में आज शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ, जिसमें 5 नवनियुक्त न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश प्रदीप इंद्राजोग ने शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण में सैकड़ों नागरिकों ने हिस्सा लिया। यह नजारा जोधपुर हाईकोर्ट का है, जहां मुख्य न्यायाधीश प्रदीप इंद्राजोग 5 नवनियुक्त न्यायाधीशों को शपथ दिलाए। जोधपुर मुख्य पीठ में प्रैक्टिस कर रहे अधिवक्ता मनोज कुमार गर्ग, जयपुर पीठ के अशोक गोड़, इंद्रजीत सिंह और डीजे कैडर से सेवानिवृत्त वीके माथुर और रामचंद्र सिंह झाला ने अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। इस मौके पर सभी न्यायाधीश और उनके परिजनों के साथ सैकड़ों अधिवक्ता भी मौजूद रहे। जयपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि 5 नव नियुक्त न्यायाधीशों के नियुक्ति होने से पेंडिंग मामलों के निस्तारण में तेजी आएगी। इन जजों की नियुक्तियों से जो पेंडेंसी हो रखी है उसमें डिस्पोजलों में कमी भी आएगी और जो नए जजेज और आएंगे तो उससे डिस्पोजलों में काफी कमी आएगी। इंतजार कर रहे थे, बहुत काबिल आदमी है, अच्छा जस्टिस करेगा, बहुत मेहनती आदमी है, बहुत खुश है। अब नए जजेज आए हैं तो तेजी तो होगी, नया ही तो मिलेगा ही, इतने सारे नए जज मिले हैं तो। एडिशनल जज के शपथ ग्रहण के बाद राजस्थान हाईकोर्ट में जजों की संख्या 34 से बढ़कर 39 हो गई है। हालांकि अभी तक 11 जजों के पद खाली पड़े हैं। बहरहाल प्रदेश के न्यायालयों में लाखों केस पेंडिंग पड़े हैं, ऐसे में 5 नवनियुक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद न्याय प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद की जा रही है। सहयोगी चंद्रशेखर व्यास के साथ ललित सिंह, ETV न्यूज, जोधपुर।